जबलपुर के पाटन में राष्ट्रीय लोधी महासभा ने एक ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार को सौंपे गए इस ज्ञापन में मांग की गई कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग बोर्ड का गठन किया जा रहा है, रानी अवंतीबाई के नाम पर भी एक बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। लोधी महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रानी अवंतीबाई का देश के इतिहास में अविस्मरणीय योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि रानी अवंतीबाई के नाम पर न केवल एक बोर्ड बनाया जाए बल्कि मेडिकल कॉलेज में विभागों का नामकरण भी उनके नाम पर हो। 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई की जयंती है, ऐसे में लोधी महासभा की मांग है कि इसी दिन शासन प्रशासन को घोषणा करनी चाहिए। आज का ये ज्ञापन किस संदर्भ में लिखा गया है और क्या क्या मांग है? राष्ट्रीय लोधी महासभा के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रत्येक संगठन में प्रत्येक ग्राम स्तर पर यह ज्ञापन दिया जा रहा है और इसमें एक ही मान माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया जा रहा है कि जिस प्रकार से वीर दुर्गाधर राठौर बोर्ड की स्थापना की गई है, जिस प्रकार से कुशवाहा बोर्ड की स्थापना की गई है, उसी प्रकार उसी तारतम्य में रानी अवंतीबाई जी की बोर्ड की स्थापना की जाए और लोगों को लाभान्वित किया जाए। दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि मेडिकल कॉलेज के जो मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, विभाग संचालित हो रहे हैं, उसमें भी 1857 की जो महारानी शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई जी हैं उनके नाम पर इनका नामकरण किया जाए। यह पूरे मध्य प्रदेश की मांग है, विशेषकर राष्ट्रीय लोधी महासभा इसमें संपूर्ण जगह यह आग्रह पूर्वक आवेदन दिया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र हम लोगों की मांग यथावत करें और 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में घोषणा करें कि इस बोर्ड की स्थापना की जा रही है। जय हिंद, जय मां भारती। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।